देख सकते हैं यहाँ पे जो कितना अच्छी तरह से यहाँ पे सजाया गया है, कितना अच्छा तरह से पंडाल यहाँ पे बनाया जा रहा है। इधर भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पे भी आप दिखाने की कोशिश करें कि इधर भी काफी धूमधाम से और काफी अच्छी तरह से इधर भी सजावट हो रही है। मैं महीनों से पहले से ये सारी तैयारियां हो रही है, साफ सफाई के कार्यक्रम हो रहा है, कम से कम 10 लाख रुपए का इसमें 10 लाख बढ़ जाता है। तो देख सकते अभी मैं मौजूद हूँ पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया संत घाट। अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि छठ घाट जो है और ये आस्था का सबसे बड़ा महापर्व माना जाता है और इस पर्व को लोग काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं और बिहार के रहने वाले जहाँ भी रहते हैं देश में वहाँ पर अपना इस आस्था को काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं और इस साल भी लोग काफ़ी धूमधाम से मनाएंगे। मगर अभी आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो कितना अच्छी तरह से यहाँ पर सजाया गया है, कितना अच्छा तरह से पंडाल यहाँ पे बनाया जा रहा है। इधर भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पे भी आप दिखाने की कोशिश करें कि इधर भी काफी धूमधाम से और काफी अच्छी तरह से इधर भी सजावट हो रही है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये नदी जो है, इस नदी का नाम है चंद्रावत नदी और ये नदी काफी पुराना है और इस जगह पे काफी ऐतिहासिक चीजें जुड़ी हुई है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बेतिया के राजा थे, उनके जो महारानी थी, वो उसी गुफा के द्वारा आकर यहाँ पे नहाया करती थी, नहाकर और चली जाती थी गुफा के अंदर। मगर अभी देखिए कि यहाँ पे दोनों तरफ, इस नदी के दोनों तरफ काफ़ी अच्छी तरह से सजावट हुआ है और काफ़ी अच्छी तरह से हर एक साल यहाँ पे छठ पूजा मनाया जाता है और इस साल भी मनाया जाएगा। इधर भी आप लोग देखने की कोशिश करें कि कितना चमकीले कपड़े के द्वारा और चमकीले कपड़े से, और देख सकते हैं कि लाइट भी काफ़ी अच्छी अच्छी लगाई गई है जिसे काफ़ी अच्छा लगेगा। जब शाम का समय होगा, रात का समय होगा, जब लाइट जलेगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। इसको वजह से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बनाया गया है कि लोग जो आएंगे एक साइड से आएंगे और एक साइड से जाएंगे और अभी देख सकते हैं कि कितना अच्छी तरह से यहाँ पे सजाया गया है और बेतिया में सबसे अच्छा जगह माना जाए जो छठ पूजा होता है वो संत घाट होता है और यहाँ पे दोनों तरफ, इस नदी के दोनों तरफ छठ पूजा काफी धूमधाम से लोग मनाते हैं। आइए मैं यहाँ पे आप लोगों को ले चलता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अभी जो यहाँ पे साफ सफाई हो रही है और इधर से थोड़ा सा एक बार और आप लोग आप दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ से एक बार और आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा तरह से, और यहाँ पे पुल भी देख सकते हैं कि जो लोग देखने आते हैं छठ पूजा वो वहाँ से खड़ा होकर देखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये अभी हमारे साथ हैं इस पूजा कमेटी के एक मेंबर साहब हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो तैयारी चल रही है कितना दिन से चल रही है और इस तैयारी करने में क्या क्या इनको परेशानियाँ हुई हैं, सारा कुछ हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको इस चैनल में स्वागत है। छठ माता को हमारे सभी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार गुप्ता हुआ। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो ये तैयारी चल रही है, जो पूरा पंडाल को सजाया जा रहा है, ये लगभग आप कितना दिन से ये सारी तैयारी कर रहे हैं? लगभग महीनों से पहले से ये सारी तैयारियां हो रही है, साफ सफाई के कार्यक्रम हो रहा है और हमारे यहाँ के सभी सदस्य लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारे नगर निगम की तरफ से भी काफ़ी सहायता किया गया है क्योंकि सारी सफाई का वो उन्होंने बीड़ा उठा रखा है। अच्छा, यहाँ पे जो पूजा करने वाले आते हैं छठ व्रती लोग, कहाँ कहाँ से आते हैं इस जगह पे? ये तो हमारे बेतिया के लगभग सभी दिशा से और सभी वार्ड, सभी मोहल्ले से आते हैं। ठीक है, अच्छा। काफ़ी संख्या होती है बेतिया का, हमारा ये पूर्वी चंपारण का और हमारे बिहार का सबसे यहाँ काफ़ी सजावट का यहाँ छठ संत घाट का हमारा नाम है। मतलब इनको कहना है कि जो यहाँ पे सजावट होती है बेतिया का सबसे नंबर वन पे होती है और यहाँ पे लोग भी आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में आते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये लगभग आपके जो तैयारियाँ जिस तरह से कर रहे हैं तो ये कब तक समाप्त हो जाएगी? तो बस लगभग चरम सीमा पे है इसकी सफाई, बस कल या परसों तो काफ़ी हम लोग एकदम। अच्छा, एक चीज़ और आप बताने की कोशिश करें कि वहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से लेयर बनाया गया है लोगों के आने जाने के लिए और यहाँ पर, ये क्या है? ये तो उसका आने जाने का हम लोग रास्ता रखते हैं कि किसी व्रती को कष्ट नहीं हो। हमारे सारे इसमें सदस्य जन उसमें सहायता करते हैं आवागमन में। लगभग इसमें आपको ये पूरा तैयारी करने में लगभग कितना खर्चा बढ़ जाती है? सीधा सिर्फ इधर के बताइए, उधर के तो वो तो अलग, उस घाट का अलग है और इस घाट इधर के बताइए आप।
कम से कम 10 लाख रुपए का इसमें 10 लाख बढ़ जाता है। तो देख सकते हैं बिहार का जो छठ पूजा होता है काफ़ी धूमधाम से होता है, और बिहारी जहां भी रहते हैं वहां पे भी अपना काफ़ी धूमधाम से छठ मनाते हैं। और यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि इस पंडाल को सजाने में कम से कम इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 10 लाख की खर्चा आ जाती है। तो देख सकते हैं कि ये बेतिया का सबसे बड़ा छठ पूजा स्थल है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। और अभी थोड़ा सा इधर दिखाने की कोशिश करें कि देख सकते हैं कि कितना अच्छी तरह से यहाँ पे साफ सफाई किया जा रहा है। और यहाँ एक बार और आप दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं तो मूर्ति रखने की जगह है, जो यहाँ पे मूर्ति रखी जाएगी और जो भी लोग आएंगे अर्घ देंगे, पूजा करेंगे और यहाँ से सुबह में चले जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरह से मनाई जा रही है। तो ये वीडियो आप लोगों को किस तरह से लगा आप लोग कमेंट करके बताएँ, और भी आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।